नमस्ते, माधवी न्यूज़रूम में आपका स्वागत है। आज हम गौन का प्रयोग देखेंगे। गौन, वैसे गौन का मतलब होता है, ये आपका थर्ड फॉर्म है गो का। गौन की जगह कोई भी थर्ड फॉर्म, जैसे कि कम केम कम, प्ले प्लेड प्लेट, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। तो गौन की सहायता से हम देखेंगे थर्ड फॉर्म का प्रयोग। वैसे इसको हम जा चुका कहते हैं, जा चुका। और कम केम कम है तो आ चुका, खा चुका, खेल चुका, पढ़ चुका, ऐसे हिंदी बनेगा। ठीक है, अब चलिए इसका प्रयोग देखते हैं हम लोग। खा चुका है, खा चुका है, अगर हिंदी में बोलते हैं हम खा चुका है। मित्रों, खा चुका है तो हो गया है कौन, तो है के लिए क्या लिखेंगे, तो हैज गॉन, जा चुका है, हैज लगा के बोलेंगे, हैज गॉन, हैज गॉन। जहाँ हैज लगता है वहाँ हैज, जहाँ हैव लगता है वहाँ हैव। जैसे कि मैं जा चुका हूँ तो आई हैव गॉन। जा चुका था, है की जगह था होगा तो क्या होगा, था, इसमें तो सिर्फ एक ही रहता है, एच ए डी, हैड, हैड गॉन, जा चुका था, हैड गॉन। जा चुका होगा, इसके लिए क्या करेंगे, तो जा चुका होगा इसके लिए भी हैव रहेगा, और उसके पहले विल या शेल आ जाएगा। मैं एक ले रहा हूँ, विल हैव, विल हैव गॉन, जा चुका होगा, विल हैव गॉन। देख रहे हैं ना, जा चुका है, हैज गॉन, जा चुका था, हैड गॉन, जा चुका होगा, विल हैव गॉन। ये हुआ परफेक्ट टेंस, जब कोई भी काम पूरा हो जाए, पूरा हो जाए। जैसे कि वो रोज जाता है तो रोज जाता है, ये आपका पर इंडिफिनिट हो गया रोज का काम। और अभी जा रहा है, कंटिन्यूस गोइंग, पर निकला, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अब पहुंच गया, तो जा चुका, जा चुका मतलब काम पूरा हो गया, तो बोलेंगे गॉन। हैज का प्रयोग करके बोलेंगे हैज गॉन, जा चुका था, हैड गॉन, जा चुका होगा, विल हैव गॉन। और एक बात में यूज होता है, मान लीजिए गया हुआ है, पर अभी अभी गया, भैया अभी अभी गया, अभी अभी पहुंचा ही है, जैसे अभी अभी खा लिया, खा कर उठा, तो बोलेंगे हैज ईटन, अभी भी गया तो हैज गॉन, पर गया हुआ है, बहुत समय हो गया, गए एक घंटा दो घंटा, तो हम बोलेंगे गया हुआ है। तो इसके लिए हम बी का ही प्रयोग करते हैं, गया हुआ है, गया हुआ है, तो हम बोलेंगे इज गॉन। देखिए अभी अभी गया है ना, तो हैज गॉन, पर गया हुआ है, लंबा समय हो गया, तो इज गॉन। गया हुआ था, वाज गॉन। गया हुआ होगा, विल बी गॉन। समझ गए, ये रहा आपका थर्ड फॉर्म गॉन का रूप। तो गॉन की जगह आपका खा चुका है, ईटेन, किसी भी थर्ड फॉर्म के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं हम। कोई अभी भी खा के उठा तो बोले खा चुका है, तो हैज ईटेन, हैज ईटेन। खा चुका था, हैड ईटेन। खा चुका होगा, विल हैव ईटेन। खाया हुआ है, इज ईटेन। खा चुका, खाया हुआ था, वाज ईटेन। खाया हुआ होगा, विल बी ईटेन। ये हुआ आपका थर्ड फॉर्म। और एक प्रयोग होता है इसका, तो वो आपका पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, जैसे कि जाकर आया, मतलब मान लीजिए वह जाकर बैठ गया, जाकर, तो हैविंग के बाद आपको, हैविंग के बाद गॉन लगा देना है, हैविंग गॉन, उसके बाद ही सेट, या वो जाकर बैठ गई, सी सेट, जाकर वह बैठ गई, हैविंग गॉन, सी सेट, एच बड़ा कर देंगे, भाग्य शुरुआत है, तो हैविंग गॉन। जैसे आपसे कहा जाए खा कर सो गई, सो गया, खा कर सो गया, तो खा कर का क्या बोलेंगे,
भैया खाकर, वही आपका है हैविंग बोलेंगे पहले, हैविंग ईटन थर्ड फॉर्म आ जाएगा, हैविंग ईटन खाकर, खाकर वह चला गया, तो ही वेंट अवे, ही वेंट वो गया दूर चला गया, तो वे वेंट अवे, खाकर वह चला गया। हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाने दूसरा प्रयोग हुआ। तीसरा एक प्रयोग है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा प्रयोग में मित्रों, जैसे कि टूटा हुआ खिड़की, तो ब्रोकन ब्रोकन विंडोज, इस तरह से प्रयोग करते हैं हम लोग। मेरे पास टूटा हुआ खिड़की है, आई हैव ब्रोकन विंडोज। मेरे पास मान लीजिए आई हैव, मेरे पास सड़ा हुआ सब्जी है, तो आई हैव रोटेट थर्ड फॉर्म, रोटेट वेजिटेबल्स। तो इस तरह से आप थर्ड फॉर्म के मदद से भी बता सकते हैं, ये थर्ड फॉर्म करके किसी का विशेषण बता सकते हैं। इस तरह से ये तीन तरह से हमने प्रयोग दिखाया थर्ड फॉर्म का। उम्मीद है मैं अगर नहीं समझा सका फिर भी आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।